चाहिए भाई, मेरे साइड से गाड़ी देखना भी एक। 63 है आज ही, 63 है। कैसी है, खरीद लीजिए, खरीद लीजिए। जब तू कमाने लग जाएगा ना तब मुझे कमाई तो रहा हूँ। इतने सारे टायर देखने के बाद अपने को ये टायर पसंद आया, उससे टायर खुलना शुरू हो गया। अभी गाड़ी बैठ पे लगी है और टायर अब खुलना शुरू हो रहा है। साहब धूप देख रहे हो तुम लोग, क्या हालत हो रही है, इतना बुरा हाल हो रहा है। अभी दिल्ली में 44 डिग्री हो रहा है, जो कि अभी कम है क्योंकि 46-47 तो जाता ही है। ये हाल हो रखा है अभी दिल्ली का, और हालात देख लो बाहर के, हवा तक नहीं चल रही है। मौसम में तुम लोग चाहते हो मैं राइड करूं या कोई भी राइड करे, डेंजरस है भाई, बहुत डेंजरस है, नहीं कर रहा था, इसलिए हमारा कोई फोटो व्लॉग भी नहीं आ रहा अभी फिलहाल। बट आज अपने को बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि आज एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो बहुत टाइम से मैं थोड़ा छोड़ रखा है। आज अपने को अपनी गाड़ी का टायर चेंज कराने भाई, तो पहले गाड़ी के टायर चेंज होंगे, फिर बाइक के भी टायर चेंज होंगे थोड़े दिन बाद। तो बहुत सारे काम है आज, और गर्मी इतनी हो रही है ना कि भाई मतलब बुरा हाल हो रखा है। तो पहले सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप सब बढ़िया होगे, हमेशा बढ़िया रहना। तो आज हो रही है 30th of May और हम जा रहे हैं आज अपनी गाड़ी के टायर चेंज कराने के लिए सारे के सारे। सो अभी तैयार होते हैं, फटाफट नीचे चलते हैं और तुम्हें दिखाता हूँ आगे का सीन। फाइनली रोड पे, और हमारे साथ आज हमारी मम्मी भी है, बट वो कैमरे पे आने नहीं चाहती क्योंकि उनको लग रहा है वो बहुत ज़्यादा बेकार दिख रही है, उनके बाल अच्छे नहीं है। इन्फ्लुएंसरों का ऐसा ही होता है भाई, क्या बोले, छोड़ो हम तो कैसे भी चले जाते हैं, हम लोंडो को कुछ नहीं होता भाई, कैसे भी बाल बना लो, एक टी शर्ट डाल लो, लोअर डाल लो, लड़कियों वाले है ही नहीं हमारे अंदर भाई, तैयार होना है, बाल बनाना है। बट छोड़ो, फिलहाल अभी हो रहा 42 डिग्री और हम लोग निकल चुके हैं। टायरों की हालत पहुँच के दिखाऊंगा भाई मैं तुम्हें, बहुत मतलब कल तो रात को सीन हो गया था, भाई मेरा लेके गया था गाड़ी और आ रहा था वापस 11 बजे, द्वारका एक्सप्रेस वे चढ़ा और उसका आगे वाला टायर पंचर हो गया था, शायद कि पंचर हो गया था, बुरी तरह पंचर हो गया था, उसमें कट लगे हुए थे टायर में। फिर बेचारा रात में टायर चेंज कर रहा था, और एक तो उसकी तबीयत भी इतनी ख़राब थी, कल फीवर चढ़ रखा था उसको, तो गलत ही सीन हो गया। तो आज हम लोग को जाना ही है वैसे भी टायर चेंज कराने के लिए, क्योंकि फिर हम प्लान करेंगे ना मुंबई फिर से करने के लिए। आज मैं तुम लोग का लुक दिखा पाता हूँ। लोग पहली वाली दुकान पे, यहाँ पे बहुत सारे टायर है, हमने मंगवाया है टायर, हमने गाड़ी बाहर खड़ी कर रखी है, 3-4 कंपनी का टायर देख रहे हैं। ठीक, निकल गया यार पहली वाली जगह से, टायर तो थे उनके पास बट इतना मतलब मेरे को पसंद नहीं आया, गुडियर का टायर था उनके पास। अभी जा रहे हम दूसरी जगह जहाँ पे मैं पहले भी जा रखा था, तो अभी देखते हैं क्या सीन है, कैसा रहता है। धूप की हालत देख लो भाई, आंखें चौंधी आ गई मेरी। बाकी देखते हैं, 44 डिग्री दिखा रहा है अभी हमारा जो टेम्परेचर रीडर है गाड़ी के अंदर, तो अभी देखते हैं क्या सीन है, जैसा भी होगा आगे देखते रहते हैं। मेरे साइड से गाड़ी देखना भी एक, 63 है आज ही, 63 AMG मस्त लग रही है भाई साहब, एक नंबर। कुछ बेवकूफों के चक्कर में ना गाड़ी ऐसी तैसी हो जाती है कसम से, जरूरी है इसको भाई साहब को यहाँ लगानी, यहाँ पे निकलेगी इसमें से, हाँ निकल जाएगी। रोड सही है, रोड यहाँ पे लोग लगाना बंद करें ना तो फायदा नहीं है। मिरर बंद करने से क्या होगा, ओके बट टच हो जाएगा। नहीं, आ गए हम लोग, यहाँ जाना था भाई हमने को, MRF का स्टोर पहुँच गया, अब देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है। इतने सारे टायर देखने के बाद अपने को ये टायर पसंद आया, ये MRF का टायर है और इसकी गुड्डी ना 80 जैसी है, बट ये है 80 टायर नहीं है, ये है HP टायर, ये हाईवे टेरेन टायर है, बट ये आता मर्सिडीज GLA और उसमें आती है, कौन सा वो CLA और उसमें आता है, X1 में आता है। तो ये टायर लगवा रहे हैं अभी, तो गाड़ी अपनी बाहर ही थी, अभी अंदर गई है, अभी अंदर जाएगी तो दिखाता हूँ तुम्हें आगे का प्रोसेस। बट ये टायर मेरे को बहुत पसंद आया यार, मस्त है एकदम, से टायर खुलना शुरू हो गया, अभी गाड़ी बैठ पर लगी है और टायर अब खुलना शुरू हो रहा है,
तो अभी हमने जो टायर सेलेक्ट कर लिया वो तो है, ये बाकी हम लोग ये वाले टायर जो है वो दे देंगे, आगे वाले टायर में चपनी लगी हुई तो उसको पीछे लगवा देंगे। अभी मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को उस तरफ से, रुको। तो हमारा टायर भी डल रहा है भाई अलॉय में, ये वाला टायर है जो डला है। बाहर देखो ना ये टायर वैसे छोटा लगता है, अंदर अकेले को देखो ना टायर बहुत बड़ा सा लग रहा था। ये बाहर देखो ना अगर सब टायरों के सामने तो ये टायर छोटा लग रहा है, बाकी अंदर जब अकेले को देख रहा था ये टायर बड़ा बहुत बड़ा सा लग रहा था। हाँ देख लो ये वाला टायर जो है, ये वाला टायर लगा रखा था कल भाई जब आ रहा था, तो ये चपनी वाला टायर है इसको लगवाएंगे पीछे। वहाँ के टायर खुल गए हैं तो यहाँ के भी खुलने रहते हैं, बाकी एक टायर जो पीछे पड़ा हुआ था वो उसके ऊपर लग गया है टायर, तो फटाफट पहले टायर लगवाते हैं और फिर उसके बाद अपन इसमें उसके बाद फिर इसका व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग भी होगा। दिखाता हूँ तुम्हें सारा प्रोसेस। हो गया हमारी व्हील बैलेंसिंग, ये घूमेगा और यहाँ पे 0-0 आएगा तो पता चलेगा, अगर 0-0 नहीं आएगा तो उस हिसाब से वेट डलेंगे फिर इसके अंदर। और ये दूसरा टायर भी डलना शुरू हो रहा है, जो जैसे वेट आता ना उतने ग्राम का फिर वेट लगेगा बाकी टायर के अंदर। कॉन्ग्रेचुलेशन, तो ये पहला हमारा टायर जो है वो लग रहा है, अभी सारे लगेंगे फिर दिखाता हूँ तुम लोगों को। साथ साथ में व्हील बैलेंसिंग भी हो रही है और यहाँ पे जाएगी गाड़ी फिर व्हील अलाइनमेंट के लिए, तो ये पूरा प्रोसेस होने के बाद दिखाता हूँ। यार भाई बहुत गर्मी हो रही है, बाहर खड़ा नहीं हो जा रहा है, देख लो धूप कितनी हो रही है, 6 बज रहा है शाम का और हालत ख़राब हो रखी है। टायर तो सारे फिट हो चुके अपने यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और अभी अंदर गाड़ी खड़ी हुई है, फिर अपनी गाड़ी जाएगी अंदर व्हील अलाइनमेंट के लिए, फिर व्हील अलाइनमेंट करा के फिर निकलेंगे भाई। अब बताएंगे कैसा रहता है इन टायर्स का, अपने इस टायर का एक्सपीरियंस कैसा रहता है अपना वो बताएंगे इसके बाद। तो यहाँ जा रही है अपनी गाड़ी ऊपर और अब होगी इसमें व्हील अलाइनमेंट, जब तक व्हील अलाइनमेंट होगी इसमें लगेगा 10 मिनट, तब तक हम लोग पेमेंट वेमेंट कर देंगे। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं एक नई गाड़ी देखने के लिए, क्या पता शायद हम लोग वो भी ले लें, तो इसको होने देते हैं। अंदर पेमेंट वेमेंट कराया था मैं, दिखाया था तुम्हें ऐसे लगती है गाड़ी, और यहाँ पर ऐसे मोनीटर स्क्रीन होती है ऊपर लगी हुई, वहाँ पर सब कुछ चल रहा था। अभी इनको करने देते हैं और अपन जाते हैं अंदर और पेमेंट करते हैं। अच्छा लग रहा है ना, कैसी है, खरीद लीजिए, खरीद लीजिए, जब तू कमाने लग जाएगा ना तब मुझे कमाई तो रहूंगा, खरीद लीजिए फिर ये गाड़ी अच्छी लग रही है। अभी टायर वायर चेंज करवा के हम आ गए भाई गाड़ी का पता करने के लिए, मैडम के लिए शायद हम प्लान कर रहे हैं नई गाड़ी के लिए, देखते हैं अभी बात करते हैं और फिर लगाते हैं। ये प्राइस लिस्ट है इसकी, तो ऐसे ऐसे खड़ा करा था टायर बाहर हिल रहा था, बट हाँ ठीक है, बट गाड़ी हल्की सी ऊंची लग रही है और एक तो है वो लेफ्ट में जा रही थी वो तो बिल्कुल ठीक हो गया क्योंकि व्हील अलाइनमेंट ही हो गया, बट स्टेयरिंग बहुत लाइट हो गया, मतलब स्टेयरिंग ऐसा बदल रहा है इसे उंगली से घुमा लो ऐसे, स्टेयरिंग बहुत लाइट हो गया। और हम लोग निकल चुके हैं किया के शोरूम से, कोई बहुत ज़्यादा खुश हो चुका है तो कोई बहुत ज़्यादा खुश हो चुका है, अब अच्छा है गाड़ी ले लेंगे वरना फिर हाथ में डालेंगे। गाड़ी देख रहे हैं अभी मैडम जी के लिए, अच्छी सी बड़ी सी गाड़ी देखेंगे और फिर उनकी गाड़ी में ट्रिप मारेंगे। चलो अभी चलते हैं, गाड़ी का रिव्यू देता हूँ आगे का क्या सीन चल रहा है, बट नहीं ऊंची तो बहुत लग रही है मेरे को, ऐसा लग नहीं रहा कि नीचे चला रहा हूँ मैं गाड़ी, अभी बहुत ज़्यादा बहुत सही ऊँची चल रही है, स्मूथ लग रही है। हाँ मतलब एक तो वो भी हल्की सी खड़खड़ जो आ रही थी ना, जो स्टेयरिंग में खड़खड़ आ रही थी हल्की सी, वो भी नहीं आ रही है, जो हल्का सा हिल रहा था, और ब्रेक भी अच्छे और ब्रेक भी अच्छे लग रही है। हाँ और ब्रेक भी अच्छे लग रही है इसमें, मस्त नीचे ही लग रहा है मन्नी को ज्यादा लगी है और आपको भी अभी लगेगा जब आप चलाओगे ना लेके जाओगे तो देखना, बहुत अच्छी लग रही है। बाकी मौसम ठीक हो चुका है भाई, चलते हैं घर, बताता हूँ तुम लोगों को कितना खर्चा है यार घर। अभी गाड़ी वाड़ी पार्क कर दिया, चलते हैं और ऊपर मिलता है तुम लोगों को, सो लेट्स गो। सो गाइस आ गए थे हम लोग घर वापस और बुरा हाल हो गया भाई, 3 घंटा लगा अपने को 3 घंटा, क्योंकि हम लोग ना मतलब एक्चुअली हुआ क्या था, वहाँ पे थोड़ी सी भीड़ थी तो टायर वायर तो लग गए थे, बट अपने हमने जो टायर मंगवा रखे थे ना वो है थोड़े से मतलब टॉप ऑफ द लाइन टाइप होते हैं MRF के, जो आते सेडान क्लास के लिए,
तो वो टायर्स दो तो पड़े थे और दो हम लोग को गोडाउन से लाने पड़े, उसमें एक टाइम लगा। फिर दूसरी चीज़, जब अपना व्हील अलाइनमेंट हो रहा था तो व्हील अलाइन में टाइम लग गया क्योंकि उसमें दो गाड़ियां पहले लगी हुई थी, तो जब वो होता फिर उसके बाद ही कर सकते थे। बाकी अगर मैं बात करूँ टायर्स की, तो टायर्स कौन से लगाए हैं, तो टायर्स हमने लगाए हैं MRF के परफिंजा टायर्स आते हैं, वो टॉप ऑफ द लाइन डांडे हैं जो सेडान्स के लिए यूज होते हैं, जो वरना के साइज के हिसाब से लग जाता है। हमारे टायर जो वरना का साइज है टायर का, वो 195/65 R16 आता है, और ये वाला जो टायर लगा है हमारा लगा है 195/55 R16, क्योंकि इसकी जो साइड बॉल है वो तो 55 है, बट उसके ऊपर की जो गुड्डी है ना वो मोटी है, तो अगर हम लोग और बड़ा लगाते तो वो अटकता बीच में आने में। और बात करें अगर कितने का पड़ा मेरे को, तो हमको एक टायर जो प्राइस है नॉर्मली वो वैसे तो 7900 का है, पर हमको चारों टायर जो थे वो मर गए थे हमने को 29400 रुपीज़ के। तो ठीक है भाई, इतने में तो टायर ठीक है, बाकी हमारे जो पुराने टायर है वो तो कुछ भी नहीं गए क्योंकि वो 65000 किलोमीटर चल गए थे, तो वो तो 200 रुपये के पूरे टायर गए हैं सारे के सारे। तो ठीक है, हो गया, अच्छी बात है, व्हील अलाइनमेंट भी होगी, व्हील बैलेंसिंग भी होगी, बट पूरी तरह थक गए। अब आने के बाद मैं सबसे पहले तो जिम चला गया था, और अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे रात के, और मैं वीडियो एडिट कर रहा था तब मैंने देखा कि मैंने आउटर तो शूट ही नहीं करा, प्राइस भी नहीं बताया, तो मैंने कहा चल वीडियो शूट कर लेते हैं और बता देता हूँ। तो ये रहा प्राइसिंग, और इतना टाइम लग गया अपने को। तो जिस जिसको भी वरना के लिए अगर किसी के पास है फ्लूइडिक वरना है, या वरना मेरे वाला मॉडल है, 22 मॉडल है, या नया वाला भी मॉडल है, उसमें ये टायर लगवा सकते हैं भाई, बहुत अच्छा कॉस्टिंग है। और जहाँ से मैंने टायर लगाया था वो MRF का डीलर था, दैट इज़ इन सेक्टर 25 द्वारका। बाकी इस वीडियो के लिए रखते हैं इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मैं पूरी तरह थक चुका हूँ, जल्दी से वीडियो एडिट करूँगा और कल आपको ये वीडियो देखने को आ जाएगी। सो वीडियो एंड करते हैं। सो दिस इज दिल्ली द मुंडा ब्लॉग साइनिंग ऑफ, टेक केयर, राइड सेफ, बाय।